गुड मॉर्निंग इंडिया गाइस, मैं हाजिर हूँ आपका अपना दोस्त मार्केट मैजिक मंत्रा। मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है, जो पहले अजय ब्लॉग लवर के नाम से जाना जाता था। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस में। गाइस, नेचुरल गैस में बहुत भयंकर न्यूज आई है। ऐसी न्यूज आई कि आप सुबह उठोगे ना और वीडियो देखोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। मतलब सीरियसली बहुत बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। मैं उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करूंगा आपका। अपनी आपको पता ही है, न्यूज एनालिसिस सबसे पहले हम करेंगे, फिर उसका इंटरप्रिटेट करके उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा नेचुरल गैस की प्राइस पे वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट वगैरह कंप्लीट डिटेल्स एनालिसिस होगा। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस, और साथ में आपको लेवल्स का यू नो बैक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो गाइस चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूले। अगर आप ऑल करते हैं तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। गाइस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। गाइस बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं बड़े स्पॉन्टेनियसली वीडियो बनाता हूँ। अगर आपने स्किप किया तो आपको पूरा कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलो मैं आ जाता हूँ वो न्यूज पे। तो देखिए ये वाली जो न्यूज है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ खोल के, ठीक है। तो नेचुरल गैस के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, बहुत सारी न्यूज है। ओके सो सबसे बड़ी जो न्यूज है ये देखिए, सबसे बड़ी न्यूज है, ध्यान रखिए। जर्मनी रेगुलेटर वॉन्स द एनर्जी क्राइसिस इज फार फ्रॉम ओवर। क्या मतलब इस न्यूज का, पढ़ लेते हैं फिर आपका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हिंदी में भी अनुवाद कर दूंगा मैं आपको। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी एनर्जी रेगुलेटर, द क्राइसिस इजंट ओवर येट डिस्पाइट हाई नेचुरल गैस स्टोरेज लेवल्स। नेचुरल गैस स्टोरेज फैसिलिटीज इन द यूज आर करंटली 70% कैपेसिटी, वाइल इन जर्मनी नेचुरल गैस स्टोरेज टैंक्स आर 76% फुल। राइट, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, नेचुरल गैस स्टोरेज फैसिलिटी आर करंटली 70% कैपेसिटी, वाइल इन जर्मन नेचुरल गैस स्टोरेज टैंक्स आर 76% फुल। इन ऑर्डर टू सिक्योर इनफ गैस सप्लाई फॉर द कमिंग विंटर, जर्मनी विल नीड अ स्टोरेज लेवल ऑफ 75% बाय द 1st of September। The energy crisis is not over yet. The president of Germany's energy regulator, and despite the fact the level of natural gas stores are more comfortable than in the previous 2 years, the crisis is far from over. The weather will be the biggest factor. देखिए ये फिर से माहौल बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड गाइस। आप ध्यान रखिए, एक बात बता दूं मैं आपको, ये बहुत सारी चीजें। देखो आपको लगता है कि रशिया नेचुरल गैस सप्लाई करता है, इसका मतलब अगर कुछ नेचुरल गैस की प्राइस ड्रॉप होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान रशिया को होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखो अब जैसे मैं कहता हूँ कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेते हैं, आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल कच्चा तेल होता है, उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं आपके पेट्रोल और डीजल। वो रिफाइन हम खुद करते हैं, यहाँ पे रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस रिफाइनरीज है, वो खुद रिफाइन करती है इंडिया में, फिर दूसरे देशों को बेचते हैं, आप समझ रहे हो ना। तो ये इनका भी अपना बिजनेस है, तो यूरोप का भी अपना बिजनेस है कि नेचुरल गैस को ये करना, वहां पे भी बड़ी बड़ी कंपनियां नेचुरल गैस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इनका काम था क्राइसिस ओवर करना, अब ये भी चाहते हैं कि प्रॉफिट मिले इनको, राइट right? क्योंकि प्राइसेस जितनी कम होगी इनकी कंपनीज की इकोनॉमी नहीं चलेगी, राइट right? तो बहुत सारी चीजें होती है गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी है ना एनर्जी क्राइसिस खत्म नहीं हुआ। बेसिकली ये डिमांड, यहाँ पे जो वर्ड निकल के आ रहा है कि ये बोल रहे हैं कि डिमांड बहुत अभी भी ज्यादा है। और आपको पता है जब डिमांड ज्यादा होती है तो क्या होती है, प्राइसेस बढ़ती है। लेकिन लेकिन ये देखिए, ये एक जियोपॉलिटिकल ड्रामा है। अगर आप मेरा एनालिसिस करिए, देखो एक होता है कि स्ट्रेट अवे आप एनालिसिस करो, एक होता है कि आप किसकी भावनात्मक चीजों को, भावार्थ को समझो। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना गाइस, ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल ड्रामा मेरे हिसाब से, कोई नहीं। मुझे बताइए जिस समय अभी बीच में जब एनर्जी क्राइसिस था, जो जर्मनी विंटर 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 यूरोप विंटर विंटर बोलते थे, उस समय कहां से कहां आ गया नेचुरल गैस, आप बताइए। और अब तो जब काफी सारी सिचुएशन, मतलब पहले तो था ही नहीं स्टोरेज, पहले तो स्टोरेज के लिए मारा मारी हो रही है, अब तो 75% है, राइट। उसके बाद भी ये स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, ये स्टेटमेंट गाइस कंप्लीट जियोपॉलिटिकल है। काफी लोग सोचते होंगे कि इस स्टेटमेंट की वजह से बहुत मार जाएगा, हो सकता है एक दिन का हो जाए, और हुआ भी, आपको पता ही है एक दिन में सब कुछ हुआ भी और हो भी रहा है। बट ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल ड्रामा है, कुछ भी नहीं। एज सच देयर इज नो डिमांड एट ऑल इन नेचुरल गैस, नथिंग इज देयर एज पर माई नॉलेज। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी काफी, एक ये वाली न्यूज से देख लेते हैं ये क्या न्यूज है। वुड मेक, मुझे भी पता नहीं गाइस, मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, ये वुड मेक 30 बिलियन इन यूके एनर्जी इन्वेस्टमेंट एट रिस्क अहेड ऑफ इलेक्शंस। टोटल एनर्जी कंसल्टेंसी वन दैट प्रोस्पेक्टस ऑफ लेबर विच हैज वोट नॉर्थ सी होल्डिंग इज लीडिंग एनर्जी कंपनी टू कंसीडर द लेबर गवर्नमेंट टू सेंड सिग्नेचर द यूके इज नॉट सिक्योर डेस्टिनेशन फॉर न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट डिटरमाइन डिस्पाइट द पोटेंशियल पोल्स द लेबर्स प्लान टू ओके Despite the potential risk of investment, poll suggests that Labour's plan to ban new oil and gas project to popular among
20 तो ये लोग है ना, अपने जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं यूके में, कोई तो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, जैसे कि आप देखो दिख ही रहा है यहाँ पे इलेक्शन का एक ये वर्ड आ गया है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होना था नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल से रिलेटेड वो नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे ये चीजें हैं, ये चीजें मुझे लगता है कि ये कोई स्टेबल चीज नहीं है, ठीक है, जस्ट वन डे यू नो ग्लिमिंग, वन डे गिमिक यू नो। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेचुरल गैस के प्राइस पे आ जाता हूँ गाइस, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे काफी देर से एक ही जगह पे ये अटका हुआ है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ही मैं टेक्निकल चार्ट पे आता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे क्लियर कट, कि दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, डिस्क्लेमर है, यहाँ पे किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं तैयार, आई एम नॉट सर्टिफाइड सिविल एडवाइजर, नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर आपको कोई ट्रेड करना तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से या अपने आप से कंसल्ट करें, हम सिर्फ पेपर ट्रेडिंग बैक टेस्ट, क्या होता है जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने लर्निंग की है, अब उसको आजमाएंगे तो सही, कहीं तो टेस्ट करेंगे, कहाँ टेस्ट करेंगे, लाइव मार्केट में टेस्ट कर पाएंगे ना, लेकिन वो डमी है गाइस, नो रियल इन्वेस्टिंग, ओके, डमी है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि हमारी स्ट्रैटेजी सही है या नहीं है, हमारे लेवल सही जाते नहीं जाते हैं, हमको रियल ट्रेडिंग नहीं करना है, मैं किसी तरह कोई सजेशन नहीं दे रहा ऐसा गाइज, अंडरस्टैंड गाइज, और बिना सोचे समझे गाइज, बिना लर्न किए, ऑलवेज फॉलो द गाइडलाइन ऑफ सेबी गाइज, बिना किसी लर्न किए, बिना नॉलेज, बिना स्किल्स के, बिना और किसी की भी यू नो किसी भी तरह कोई भी कुछ कह रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप उसको एज इट इज ना लें, पहले कंप्लीट टेस्ट करें, उसको अच्छे तरीके से टेस्ट करें, लाइव मार्केट में टेस्ट करें, अंडरस्टैंड कि वो टेक्नोलॉजी सही है, उसी के बाद कुछ करें गाइस, ध्यान रखिए, ओके। सो 2.330 पे है गाइस, मैं यहाँ पे चार्ट का एनालिसिस कर लेता हूँ, देखो 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं आपको पहले, तो 1 वीक का चार्ट सजेस्ट क्या कर रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू सजेस्ट बुलिश नीदर बीरिश, यहाँ पे कंसोलिडेशन और मतलब दो चांसेस हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे संभव है, कि बुलिश भी हो सकता है, बीरिश भी हो सकता है, ऑन अ 1 वीक चार्ट, ओके, 1 मंथ चार्ट, 1 मंथ चार्ट, अभी यहाँ पे भी वही बात है, मतलब ये 50-50% लग रहा है यहाँ पे, कंसोलिडेशन मान लो उसको, यहाँ पे भी वही है, 6 मंथ का चार्ट, तो ये तो हो गया चार्ट गाइस, ठीक है ना, अगर आप यहाँ चार्ट देखें तो मैं इंटरनेशनल का बता रहा हूँ पहले, फिर नेशनल का भी बताऊंगा, तो यहाँ पे चार्ट तो ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई साहब यहाँ पे ना भाई यहाँ पे कंसोलिडेशन ही चलेगा, लेकिन ठीक है, अब हमारा जो तजुर्बा कहता है, एक तो होता चार्ट और आपका तजुर्बा भी आपको आपको पता चल जाता है, एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजीज वगैरह, राइट। तो मेरे हिसाब से जैसा मुझे लगता है ना कि ये फर्दर यहाँ से नीचे आना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा कन्विक्शन है, अगेन मैंने कहा गाइस, हम जो भी कन्विक्शन, जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, पहले उसको अच्छे तरीके से टेस्ट करिए, अच्छे तरीके से कम 3 से 4, 1 से 3 महीने तक तो टेस्ट करना ही करना है, जब आप कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई ये सही में काम करते हैं, उसी के बाद कुछ करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें गाइस, ध्यान रखिए। 2.330 है यहाँ पे, तो मैंने आपको पहले भी बताया 2.35 का है, आप उसको 2.36 का रखिए, हमारी जो बॉर्डर वाली स्ट्रैटेजी है, मैंने एक बॉर्डर वाली स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको 2.36 पे रखिए, इसका रेजिस्टेंस रहेगा, और अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा उसका रहेगा 2.42 का। नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट क्या रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो 1 वीक के बेसिस पे आपको मुझे लगता है कि 2.28 का यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 1 मंथ के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो भी आपको मुझे लगता है कि 2.28 के आसपास अच्छा खासा एक सपोर्ट मिलेगा आपको, तो मुझे लगता है 2.28 एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 2.36 एंड 2.42 के हैं, ऑन एंड ऑल अगर मैं शॉर्ट टर्म कन्विक्शन की बात करूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीरिश हूँ, मैं तो अभी भी इस पे बीरिश ही हूँ शॉर्ट टर्म में, आपको पता है पिछले 3 महीने से मैं हमेशा से बीरिश ही रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो 191.70 गाइस यहाँ पे, अब देखिए आप 0.0, यहाँ पे भी मैंने बोला आपको 189, मुझे लगता है यहाँ पे आप 189 का है, 189 अगर जाता है तो वहां पे ये 189 एक सपोर्ट होगा, 189 के बाद सपोर्ट अगला होगा 185 का, और यहाँ पे अपसाइड पे रेजिस्टेंस होगा, मुझे लगता है कि 195 पहला, और दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो 195.5 मानिए, और दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 199.5, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स है गाइस यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसका आपको अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी है, देखिए स्ट्रैटेजी हमको कौन सी यूज करनी होती है, वेदर हेजिंग, एवरेजिंग, प्राइस एक्शन, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी होती है, जब भी हम एवरेजिंग की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया एवरेजिंग कैसे होती है, एवरेजिंग वाली स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि दो किनारे पे करना चाहिए आपको, ठीक है ना, बीच में बीच मझधार में किसी तरह का डिसीजन आप ले ही नहीं सकते, तो फिर किस बात का एवरेजिंग, आप समझ रहे हैं, या तो आप एक कोने में हो या दूसरे कोने में हो, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक कोने में नदी किनारे हैं तो आपको नदी किनारे, वहां से नदी में जाना नहीं है, नदी के किनारे से निकल जाना है, और एक आप नदी किनारे पार करके किनारे पे गए हो, ठीक है ना, तो वो मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, नहीं तो नदी के दो किनारों पे आप एक आपने वो ले सकते हैं डिसीजन कि हाँ भाई, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मान लो आप जयपुर से बेंगलोर जा रहे हो, ठीक है ना, अब जयपुर से बेंगलोर जा रहे हो काफी रास्ते हैं,
अब आप बीच में जयपुर से बेंगलोर के बीच में आके खड़े हो जाओ और मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे आप है ना डिसीजन, अब मैं बोलूँ कि भाई वो बंदा क्या करने वाला, हाउ वुड आई नो, क्योंकि वहां पे दोनों रास्ते बनते हैं कि वो वापस से लौट जाए या कोई दूसरा रास्ता पकड़ ले या दूसरा रास्ता पकड़ ले। लेकिन अगर वो जयपुर बेंगलोर वाले हाईवे पे निकल गया, ठीक है ना, जयपुर टू बेंगलोर वाले हाईवे पे निकल गया, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई अब ये बेंगलोर ही पहुंचेगा, ठीक है ना। तो अब हमें पता चल जाता है ना कि बैंगलोर पहुंचने वाला, तो हम फिर उस हिसाब से कर सकते हैं। उसी तरीके से प्राइस जब दो किनारे पे होती है तब जाके एवरेजिंग के बारे में सोचना चाहिए। दो किनारे कौन से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट, बेस्ड ऑन योर एक्शन, यू नो कि आपको क्या एक्शन देना। तो पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन दोनों के आसपास, किनारों के आसपास ही कुछ करना चाहिए। ये हमारी स्ट्रैटेजी है, बेसिकली इट्स टू अवॉइड रिस्क मैनेजमेंट। ओके गाइस, सिर्फ लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ गाइस, ये मैं जो भी स्ट्रैटेजी आपको एजुकेशन प्रोस्पेक्टिव से बताता हूँ, इसको पहले आप अच्छे तरीके से टेस्ट करिए, यू नो अच्छे तरीके से टेस्ट करिए। आप डमी डमी कर सकते हैं डमी लेवल पे, ताकि आपको समझ आए कि हाँ भाई मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। ओके, जाते जाते एक एडवाइस गाइस, कभी भी ध्यान रखिए गाइस, हमेशा मैं कहता हूँ बिना नॉलेज, बिना किसी टेक्निकल स्किल, बिना पेपर ट्रेडिंग बैक टेस्ट, बिना जांचे, बिना परखे कभी भी ना करें गाइस। अंडरस्टैंड, एजुकेट योर सेल्फ, आई थिंक यू आर ऑल एजुकेटेड, राइट, इंडिया इज ग्रोइंग नाउ, सो प्लीज अंडरस्टैंड, विदाउट नॉलेज, विदाउट स्किल, नो बडी इज गोइंग टू मेक मनी हियर, नो। आपको शिक्षा जरूरी है, तभी जाके मार्केट में शिक्षा जरूरी है, तभी जाके आप कुछ कर सकते हैं। सो विद दिस नाइसफुल एंड नोवल थॉट, दिस इज अजय and signing off guys.